नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कान्हा जी का फेवरेट डिश, वो है श्रीखंड। लेकिन मैं आपको यहाँ पर अनार श्रीखंड की रेसिपी बता रही हूँ, और मैं अनार को किस फॉर्म में इसमें ऐड करूँगी आपको ये पता चलेगा मेरी वीडियो देखने के बाद। तो मेरी वीडियो के साथ बने रहिएगा और मेरी वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। बट उससे पहले मैं खुशबू कन्नौजी और मैं अपने चैनल घर का जायका विद खुशबू में आपका स्वागत करती हूँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिए। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर जिन जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वे सारे ये हैं। तो इसे बनाने के लिए हम यहाँ पर लटका हुआ दही लेंगे, और मैंने इस दही को 6 से 8 घंटे तक मलमल वाले कपड़े में लटका कर रख दिया था ताकि इसका सारा पानी बाहर निकल जाए। तो ये देखिए कितना सूखा है। आपको भी इसी तरह से इसे 6 से 8 घंटे तक लटका कर रखना होगा। तो मैं इसे किसी बाउल में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। थोड़ा सा मैश कर लेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे इलायची और शुगर, और इसे हम मिक्स कर लेते हैं। फिर हम इसमें ऐड करेंगे अनार का जूस। मैंने यहाँ पर अनार को जूस के रूप में ऐड किया है, और मैं यहाँ पर 2 चम्मच अनार का जूस ऐड करूँगी और इसे मिक्स करूँगी। दही को इतना फेंटना है ताकि वो स्मूथ जैसा हो जाए। फिर मैं इसमें ऐड करूंगी मलाई, और इसे भी मिक्स करेंगे 1-2 मिनट। फिर मैं इसमें ऐड करूंगी ड्राई फ्रूट, जिसमें बादाम, नारियल, काजू, किशमिश, और फिर यहाँ पर अनार के दाने ऐड करूंगी और इसे मिक्स करूंगी। तो लीजिए, तैयार है अनार श्रीखंड, जो कि बहुत ही आसान तरीके से बना हुआ है। अब मैं इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। अब मैं इसे गार्निशिंग करूंगी थोड़े अनार दाने से। थोड़े ड्राई फ्रूट से और गुलाब की पंखुड़ियां से। तो लीजिए, तैयार है अनार श्रीखंड। ये बहुत ही देखने में खूबसूरत लग रहा है। तो चलिए इसे हम टेस्ट करके बताते हैं कि ये कैसा बना है। सच में ये बहुत ही यम्मी और लाजवाब है। ये खाने में, देखने में जितना अच्छा लग रहा है ना, खाने में उतना ही स्वादिष्ट है। यकीन नहीं होता तो आप इस जन्माष्टमी की छठी में कान्हा जी को ये ज़रूर भोग लगाइएगा, और फिर इसे प्रसाद के रूप में खाइएगा। तो आप इसके इंग्रेडिएंट्स को नोट कर लीजिए।
आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 इसे एक लाइक और अपने फ्रेंड फैमिली में शेयर ज़रूर करें और हमें कमेंट कर बताएं कि हम आपके लिए क्या बनाएं। और सबसे ख़ास सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने पे पैसा नहीं लगता बट मेरा हौसला ज़रूर बढ़ता है आगे काम करने को। तो फिर मिलते हैं इसी तरह की कम बजट में बनने वाले नई रेसिपी और नई जायकों के साथ अपने इसी चैनल घर का जायका विद खुशबू में। जब तक खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए और आसपास सफाई बनाए रखिए, क्योंकि अपना भारत स्वच्छ भारत।